हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी आइए हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर बच्चों आपने अभी तक प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग वैलिंग मैंगोसना पैकिंग बॉक्सेस कोई भी एक रिटेल मार्केट है वहां पे जो दुकानदार है वो मैंगोज को सेल कर रहा है बॉक्स के अंदर पैक कर बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ द द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगज टू द नंबर ऑफ बॉक्सिस फाइंड द मेन नंबर ऑफ एंड मैंगोज कैप्टन पैकिंग बॉक्सेज देखिये हमारे पास ये बॉक्सेज है ये नंबर ऑफ मैंगोव है यहाँ पे क्या बोलो है ऐसे 15 बॉक्सेज हैं जिनके अंदर इस रेंज के अंदर मैंगोज है मतलब फिफ्टी के फिफ्टी फिफ्टी टू के अप्रोक्स मैंगोज है अब यहाँ पे वन हंड्रेड टेन बॉक्सेज है जिनके अंदर 53 से 55 तक की रेंज के मैंगोज हैं मतलब इतने मैंगोज इस बॉक्स के अंदर हैं इतने बॉक्सेज हैं जिनके अंदर इतने मैंगोज हैं ठीक है ये हमारे पास डाटा गिवन है हमें क्या निकालना है मीन फाइंड आउट करना है ठीक है अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है हमारे पास क्या होती है लोअर लिमिट ये हमारे पास क्या होती है अपर लिमिट जो इसकी अपर लिमिट होती है वही नेक्स्ट की हमारे पास क्या होती है लोअर लिमिट जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वन इसकी अपर लिमिट है वही नेक्स्ट हमारे पास क्यों हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट नहीं है दैट मीन्स ये जो डाटा है वो डिसकंटिन्यूस है और ये वाला डाटा हमारे पास क्या था कंटिन्यूस एक चीज और देखिए जैसे जो ये डाटा है ये जो 120 नंबर है ये हमारे पास नेक्स्ट के अंदर काउंट होता है जैसे हमारे पास ये यह है यहां से हम हंड्रेड से लेके वन हंड्रेड नाइनटीन तक नंबर ले सकते हैं लेकिन वन हंड्रेड ट्वेंटी नहीं लेते क्योंकि वन हंड्रेड ट्वेंटी नेक्स्ट के अंदर काउंट होता है लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होता है फिफ्टी फिफ्टी वन और फिफ्टी टू ये तीनों नंबर इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या थी कंटिन्यूस फॉर्म ये हमारे पास डाटा किसके अंदर गिवन है डिसकंटिन्यूस फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले हमें इस डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा तभी हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अब हम इस डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हमें क्या देखना होता है जो अपर लिमिट होती है और नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है उन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करना होता है कि कितने का डिफरेंस है अब देखिए 53 में से अगर 52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन वन का डिफरेंस है वन का हाफ है यहां से सब करना होता है लोअर लिमिट के से और अपर लिमिट के अंदर एड करना होता है जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे टू का डिफरेंस होता तो टू का हाफ हमारे पास क्या होता है वन तो लोअर लिमिट के अंदर से वन सब्टैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे फोर्टी नाइन हो जाता और अपर लिमिट के अंदर वन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फिफ्टी थ्री हो जाता ठीक है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसका हाफ यहाँ से सब्टैक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है देखिए फिफ्टी थ्री इसकी अपर लिमिट हमारे पास क्या है फिफ्टी टू इसकी लोअर लिमिट फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री और फिफ्टी टू के बीच में डिफरेंस कितने का है वन वन का भी हम क्या करेंगे हाफ वन को हाफ से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव ऐसे लिख सकते हैं तो इसके अंदर से फिफ्टी के अंदर से जीरो पॉइंट फाइव को सब्टैक्ट कर देंगे और फिफ्टी टू के अंदर जीरो पॉइंट फाइव एड कर देंगे देखिए नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकाल लेंगे हम फिफ्टी से के अंदर से जीरो पॉइंट फाइव को सब्टैक्ट कर देंगे एक बारी दोबारा देखिए हमें क्या करना है डिफरेंस चेक करना है जितने का डिफरेंस है उसको हाफ करना है जैसे 53 में से 52 को माइनस करेंगे तो वन वन का हाफ कितना हो जाएगा वन बाई टू इसको पॉइंट में लिखेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव तो आगे से तो जीरो पॉइंट फाइव माइनस करना है और 52 के अंदर जीरो पॉइंट फाइव ऐड करना है अब देखिए फिफ्टी में से अगर जीरो पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ठीक है सिमिलरली अगर फिफ्टी टू के अंदर जीरो पॉइंट फाइव ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ठीक है नेक्स्ट देखिए फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री के अंदर से जीरो पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट फाइव और फिफ्टी फाइव के अंदर जीरो पॉइंट फाइव करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव सिमिलरली 56 के अंदर से 0.5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 55.5 और 58 के अंदर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 58.5 यहां पे भी फिफ्टी नाइन में से जीरो पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव और सिक्सटी वन के अंदर जीरो पॉइंट फाइव करेंगे तो सिक्सटी वन पॉइंट फाइव अब यहाँ पे सिक्सटी टू के अंदर से जीरो पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो सिक्सटी वन पॉइंट फाइव और सिक्सटी फोर के अंदर ऐड करेंगे तो 64.5 फोर अब देखिए ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज हो गया यहां पे फाइव पॉइंट फिफ्टी टू पॉइंट फाइव है यहां पे फिफ्टी टू पॉइंट फाइव है यहाँ पे फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव है यहां पे फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव है जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है ठीक है तो हमने इस डाटा को किस फॉर्म में चेंज कर दिया कंटिन्यूस फॉर्म में ठीक है आप ऐसे ही किसी भी डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बस आपको यहां पे डिफरेंस चेक करना है कितने का है उसका हाफ कर देना है डिफरेंस का और आगे से वो सब करना है और पीछे एड करना है ठीक है आप इस तरीके से आसानी से किसी भी डाटा को कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं अब क्लास मार्क्स निकालते हैं क्लास मार्क्स क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं देखिए क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बायिट अब आप इसको भूल जाइए ये हमारे पास अब नंबर ऑफ मैंगोज है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय में टू अब यहां पे देखिए लोअर लिमिट क्या है फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस अपर लिमिट क्या है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय में टू ठीक है अब हमारे पास सिर्फ ये डाटा गिवन है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस इस वाले डाटा को हमने इसके अंदर कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ठीक है अब देखिए फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी टू पॉइंट फाइव हमारे पास कितना होता है वन जीरो टू को टू से डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्टी वन तो क्लास मार्क्स हमारे पास क्या आ जाएंगे फिफ्टी वन अब नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही करना है नेक्स्ट क्या करेंगे फिफ्टी टू पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव जो आएगा उसको टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर फिर फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी एट पॉइंट फाइव को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फिफ्टी सेवन नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा सिक्सटी और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्सटी थ्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप ऊपर वाले दो निकाल सकते हैं बस और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है जैसे कि फिफ्टी फोर में से फिफ्टी वन माइनस करेंगे तो थ्री का डिफरेंस है आगे थ्री थ्री एड होता जाता है जैसे कि फिफ्टी फोर प्लस थ्री फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन प्लस थ्री सिक्सटी सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी थ्री ठीक है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे क्लास मार्क्स ठीक है नेक्स्ट हमने क्या निकालना है सॉरी <coughs> बच्चा नेक्स्ट हमें क्या निकालना हम स्टेप डाइविजन मेथड कर रहे हैं हमें क्या निकालना पड़ेगा यू आई यू आई कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस यू आई कैसे निकालेंगे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच ए हमारे पास क्या है अज्यूम्ड वैल्यू एच हमारे पास क्या है क्लास इंटरवल और एक्स आई हमारे पास क्या है क्लास मार्क्स ठीक है अब देखिए अज्यूम वैल्यू क्या करेंगे ऊपर से टू स्कीप कर दे नीचे से टू देप कर दे तो बीच की वैल्यू हमारे पास क्या है फिफ्टी सेवन तो फिफ्टी सेवन हमारे पास क्या है अज्यूम्ड वैल्यू ठीक है आपने बीच वाली वैल्यू लेनी है अब देखिए एक्स आई माइनस ए एक्स आई हमारे पास क्या है फिफ्टी वन फिफ्टी वन में से फिफ्टी सेवन को माइनस करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सिक्स ठीक है और क्लास इंटरवल हम कैसे निकालेंगे फोर्टी टू पॉइंट फाइव में से हम फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा थ्री आएगा फिफ्टी टू पॉइंट फाइव में से जब हम फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट को माइनस करते हैं देखिए यहां पे देखिए क्लास इंटरवल किसे डिनोट करते हैं एच से अपर लिमिट क्या है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव माइनस लोअर लिमिट .5. .5 minus 3. तो एच तो से डिवाइड करेंगे थ्री तो से डिवाइड करेंगे. करेंगे तो हमारे पास क्या आ माइनस टू सिमिलरली फिफ्टी फोर में से फिफ्टी सेवन को माइनस करेंगे माइनस थ्री माइनस थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन ठीक है माइनस वन फिफ्टी सेवन में से फिफ्टी सेवन माइनस करेंगे तो जीरो सिक्सटी में से फिफ्टी सेवन माइनस करेंगे थ्री थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन सिक्सटी थ्री में से सेवन माइनस करेंगे तो सिक्स सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा यू आई अब हम क्या करते हैं एफ आई को ये हमारे पास क्या है एफ आई एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है क्योंकि फॉर्मूले के लिए हम, हमें एफ आई यू आई चाहिए अब देखिए हम क्या निकालेंगे एफ आई

फिफ्टी ये हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई यू आई ठीक है अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का मीन कैसे निकालते हैं अज्यूम्ड वैल्यू प्लस एच क्या है क्लास इंटरवल अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई ये क्या एफ आई यू आई का एडिशन और ये समीशन ऑफ एफ आई इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और अब हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और हम आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं अब देखिए सबसे पहले समीशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस वन हंड्रेड टेन और माइनस थर्टी कितना जाएगा माइनस वन फोर्टी और वन हंड्रेड फिफ्टीन प्लस देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस वन फोर्टी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ वन सिक्सटी फाइव अब वन सिक्सटी फाइव में से माइनस वन फोर्टी को वन फोर्टी को सप्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आजगा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव हमारे पास क्या है समीशन ऑफ एफ आई यू आई सेकेंड हमें क्या चाहिए समीशन ऑफ एफ आई एफ आई हमारे पास ये है इन सबको एड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा फोर हंड्रेड ठीक है अब जस्ट हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे ए अज्यूम्ड हमने क्या किया है फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन प्लस एच क्लास इंटरवल हमारे पास क्या था थ्री थ्री इंटू में समीशन एफ आई यू आई एफ आई यू आई हमारे पास क्या है ट्वेंटी फाइव अपॉन समीशन एफ आई एफ आई हमारे पास क्या है फोर हंड्रेड ठीक है अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्सटीन तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फिफ्टी सेवन प्लस थ्री बटे में सिक्सटीन ठीक है अब हमें क्या करना है अगर हम इसको एल्सियम लेके 16 का लेके करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा हमें जस्ट थ्री को सिक्सटीन से डिवाइड कर देना है और एक पॉइंट तक फिगर को ले लेना है जब हम थ्री को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो वन एट और फिफ्टी सेवन प्लस जीरो पॉइंट वन एट कितना हो जाएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट वन एट ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेन ठीक है बच्चों बिल्कुल ध्यान से हर एक स्टेप को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है कैलकुलेशन बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है अगर आपको वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और निहान क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू